हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आपकी बहुत डिमांड के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांसफॉर्मर के 50 MCQ क्वेश्चंस और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में, एई के एग्जाम में, एसएससी जेई एई के एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर के ही 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो कैसे लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं वो एक दूसरे से इंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। और ट्रांसफॉर्मर की मैं फटाफट वर्किंग बता देती हूँ आपको। तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जिससे सोर्स कनेक्ट है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जिससे लोड कनेक्ट है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में करंट, एसी करंट अप्लाई करते हैं, तो ये वेरिंग एसी करंट के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है सेकेंडरी कॉइल में बाय द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंसिपल है हमारे ट्रांसफॉर्मर का। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो एक दूसरे से इंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज आप जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉर्निश ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज मिक्सड इन ऑयल, देन अगर ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का वॉर्निश ऑयल में मिक्स हो जाए तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इट मे रिड्यूस द फ्लैश पॉइंट बाई अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये फ्लैश पॉइंट को रिड्यूस कर देगा 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ द वॉर्निश ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज मिक्सड इन अ ऑयल देन इट मे रिड्यूस द फ्लैश पॉइंट बाय अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस तरीके से कपल्ड होती हैं। तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हमारे एक सिंगल सर्किट ट्रांसफॉर्मर होते हैं, यानी एक ही सिंगल कोर में हमारी दोनों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस होती हैं उसमें। ठीक है, तो बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैकेनिकली भी कपल्ड होती हैं और इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होती हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज अ वन वाइंडिंग सिंगल सर्किट ट्रांसफॉर्मर इन विच ए पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन फॉर बोथ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। यही मैंने अभी आपको बताया। द एंड दिस एंटायर वाइंडिंग विल बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल मैग्नेटिक कोर। और पूरी एंटायर वाइंडिंग एक मैग्नेटिक कोर में प्लेस होती है। ठीक है, अनलाइक एन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, इन ऑटो वाइंडिंग देयर इज नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन टू वाइंडिंग। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है दो वाइंडिंग के बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता दो वाइंडिंग के बीच में। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगी कि पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपके आगे और पीछे के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन द ट्रांसफॉर्मर। इनमें से क्या ट्रांसफॉर्मर में चेंज नहीं होता। करेंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर चेंज वोल्टेज एंड करेंट बट द पावर रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, बट दैट इन केस ओनली इन द आइडल ट्रांसफॉर्मर। इन जनरल देयर इज ए लॉसेज इन द पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड वेरिएशन, एडी करेंट लॉस एक्सेट्रा। ओनली द फ्रिक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट। केवल फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट होती है, बाकी सब कुछ चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे कन्वे होती है।
तो वो कन्वे होती है बाय द फ्लक्स। सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने अभी आपको पूरा प्रिंसिपल बताया था, वर्किंग प्रिंसिपल बताया था ट्रांसफॉर्मर का, कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है जब हम उसमें एसी करंट अप्लाई करते हैं तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है इसमें। ये वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में। एनर्जी कन्वे होती है प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स के कारण। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड टू। ट्रांसफॉर्मर कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं जिससे एडी करेंट लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाए। बी इसका करेक्ट आंसर है। द ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करेंट लॉसेस एंड इम्प्रूव एफिशियंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर के कोर को लैमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन। कितना डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा ट्रांसफॉर्मर में वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है ऑल ऑफ द एबव। थिकनेस ऑफ क्लैम्पिंग, क्लैंपिंग की थिकनेस पर, गेज ऑफ द लैमिनेशन, लैमिनेशन की मोटाई कितनी है, गेज कितना है, साइज क्या है लैमिनेशन का, सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ ट्रांसफॉर्मर आर डायरेक्टली इफेक्ट ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द क्लैंपिंग, गेज लैमिनेशन, साइज ऑफ द लैमिनेशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नो लोड करेंट ड्रॉन बाय ट्रांसफॉर्मर इज यूजली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल लोड करेंट। नो लोड में कितना करेंट ड्रॉ कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, उसका अगर हम फुल लोड में परसेंटेज निकाले तो कितना होगा? तो वो होगा 2 to 5%। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर है। द नो लोड करेंट ड्रॉन बाय ट्रांसफॉर्मर इज यूजली 2 to 5% ऑफ फुल लोड करेंट। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर शुड हैव। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है ट्रांसफॉर्मर में वो कैसा होना चाहिए? तो वो लो रिएक्टेंस पाथ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन अ ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव लो रिएक्टेंस। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन। नो लोड ट्रांसफॉर्मर में क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो नो लोड ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉसेस डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। हमारे ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए अप्रोक्स 33 kV तक। बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज मेनली डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, वाटर एंड अदर कंटामिनेंट्स। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की, वो हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑयल में कितना वाटर प्रेजेंट है, कितना कॉन्टामिनेंट्स है और कितना एसिड है। ठीक है, इट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू कीप द ट्रांसफॉर्मर ऑयल एज फ्री फ्रॉम सच कॉन्टामिनेंट्स एज पॉसिबल। ये जो मिलावट है, ये जो इम्प्योरिटी है, उससे हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होगी। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ट्रांसफॉर्मर की, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता जाता है, उसमें कॉन्टामिनेशन इंक्रीज होते जाते हैं, वो कम होती जाती है। लेकिन हम एक्सपेक्टेड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हम चाहते हैं 33 kV हो। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करने के लिए हम सैंपल टेस्ट कंडक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में? टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए हम सैंपल टेस्ट कंडक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन राइज इन टेम्परेचर, एफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो सैंपल टेस्ट का बेसिकली इन तीनों को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसेबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड। जो परमिसेबल फ्लक्स डेंसिटी होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में, वो कितनी होती है? तो वो होती है 1.7 वेब पर मीटर स्क्वायर। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के इक्वल होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। द ट्रांसफार्मर विल गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन देयर कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड करेंट इन अ ट्रांसफार्मर। नो लोड करेंट हम ट्रांसफार्मर में फुल लोड करेंट का कितना होता है? तो नो लोड करेंट इन अ ट्रांसफार्मर इज 6 to 7% ऑफ फुल लोड करेंट। यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% ऑफ फुल लोड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज। आयरन कोर प्रोवाइड करने का ट्रांसफार्मर में क्या पर्पस है? तो आयरन कोर प्रोवाइड करने का पर्पस है डिक्रीज द रिएक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। जो मैग्नेटिक पाथ है उसके रिएक्टेंस को डिक्रीज करना। आयरन इज यूज इन द ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड द नेसेसरी मैग्नेटिक पाथ एंड टू मिनिमाइज मैग्नेटिक लॉसेस। आयरन कोर का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक पाथ इस्टेब्लिश करने के लिए और मैग्नेटाइजेशन लॉस को कम करने के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है? कंजर्वेटर भी होता है ट्रांसफार्मर में, ब्रीदर भी होता है, बॉश रिले भी होते हैं, एक्साइटर नहीं होता। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। द पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन इंक्लूड कोर वाइंडिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल, ट्रांसफार्मर ऑयल, टेप चेंजर, कंजर्वेटर, ब्रीदर, कूलिंग ट्यूब, बॉश रिले। ये सारे चीजें इंस्टॉल की जाती हैं ट्रांसफार्मर में, एक्साइटर नहीं किया जाता। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किट। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में तो कौन सा साइड हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं? तो जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग अगर हमारी हाई वोल्टेज साइड है और सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड है तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग को ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है? तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म। एक ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? तो हमें मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी टू एसी कन्वर्टर है, यानी जो हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं उसी को सेकेंडरी वाइंडिंग में पास करता है, यानी पावर ट्रांसफॉर्म करता है। सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू पास एन अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफन चेंजिंग द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट और वोल्टेज को चेंज करके वो पावर ट्रांसफर करता है। सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये गलत मैंने लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए सी। ठीक है, तो आप लोग इसको सी कर लेना, क्योंकि हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को चेंज करके। तो सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज ट्रांसफार्मर इंक्रीज भी नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता वोल्टेज को डीसी सप्लाई के। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर इज अ एसी टू एसी कन्वर्टर। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से एसी सप्लाई देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के कारण यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है और इस फ्लक्स के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो लेकिन डीसी में कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो पावर कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है, ए डीसी सर्किट हैज मोर लॉसेस, ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्लक्स देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी, हेंस ट्रांसफार्मर विल बी ऑफ नो यूज।
ट्रांसफॉर्मर का यूज ही नहीं होगा अगर हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा. फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई भी पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं जाएगी. इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर को डीसी में वर्क नहीं कराते, ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी सप्लाई में वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऑलवेज हाई वोल्टेज, कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, नन ऑफ द एबव. तो इसका आंसर सी होना चाहिए, कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग. हाई वोल्टेज भी हो सकती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के बहुत मेन पॉइंट, बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा. एक्चुअली पूरा 50 क्वेश्चन करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सारी चीजें पढ़ के आपको नहीं बता सकती. ये जो पॉइंट्स हैं, वीडियो को पॉज करिए और जरूर पढ़िएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स. किस वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में? तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफॉर्मर की वो कितनी होती है? तो 98% के अप्रोक्स होती है. बी इसका करेक्ट आंसर है. द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन ट्रांसफॉर्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज, लॉसेज विच रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज आर, कौन से लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे जब हम लोड चेंज करते हैं? तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस हमारे लोड चेंज करने पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आपका कोई भी हो, कोई भी कितना भी हम वोल्टेज अप्लाई करें, लेकिन जो हमारे लॉसेस हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस है, वो हमारे लोड चेंज पे डिपेंड नहीं करते. तो सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कंप्रेस ऑफ टू आइडेंटिकल वाइंडिंग इन पैरेलल, इफ वन वाइंडिंग इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजिंग करेंट विल बी डबल. तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज, पावर ट्रांसफॉर्मर को कूल करने की सबसे बेसिक मेथड कौन सी है? तो ऑयल कूलिंग बेसिक मेथड है ट्रांसफॉर्मर को कूल करने की. यहाँ पे देखिए, द लॉसेस ऑकरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर आर कन्वर्टेड इन टू हीट विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग एंड द कोर. जब लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में तो वो हमारे ट्रांसफॉर्मर को हीटअप कर देते हैं, जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का और कोर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो उस लॉसेस को कम करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए हम ऑयल कूलिंग का यूज करते हैं. सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द नो लोड करेंट इन अ ट्रांसफॉर्मर लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल अबाउट. जो नो लोड करेंट होता है ट्रांसफॉर्मर के, वो लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज को कितने एंगल से? तो वो करता है 75 डिग्री से. यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है इट इज जनरली अबाउट 75 डिग्री. नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफॉर्मर रूटीन एफिशियंसी डिपेंड ऑन, ट्रांसफॉर्मर की जो रूटीन एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो उसके लोड करंट पे डिपेंड करती है और पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है. ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मर रूटीन एफिशिएंसी इज डिपेंड ऑन लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफॉर्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, कंजर्वेटर का मेन फंक्शन ट्रांसफॉर्मर में क्या है? ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का मेन फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर को डैमेज से प्रोटेक्ट करना जब भी ऑयल एक्सपेंस होता है हीट के कारण. यानी हीट होता है तो ऑयल एक्सपेंस होता है, उसके कारण ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कंजर्वेटर करता है. सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर अप टू ए रेटिंग ऑफ, कितनी रेटिंग तक हम नेचुरल ऑयल कूलिंग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में? तो 3000 किलो वोल्ट एम्पियर तक यूज करते हैं नेचुरल ऑयल कूलिंग का. ए करेक्ट आंसर है. यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिएगा कि नेचुरल ऑयल कूलिंग का हम कब यूज करते हैं, फिर एयर फोर्स मेथड का हम कब यूज करते हैं, तो सारा डेटा दिया हुआ है. नेक्स्ट, पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, पावर ट्रांसफॉर्मर को कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है? तो नियरली फुल लोड, फुल लोड की जितनी एफिशिएंसी होती है उसके लिए हम पावर ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट,
द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है एट 50% फुल लोड? बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, ट्रांसफॉर्मर कब ब्रीद इन करता है? तो जब लोड डिक्रीज होता है तब ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन करता है. बी इसका करेक्ट आंसर है. और एक टर्म आपने सुना होगा ब्रीदर, तो ब्रीदर का क्या फंक्शन है? ब्रीद इन, ब्रीथ्स और ब्रीदर में अलग अलग है, ये ब्रीदर एक इक्विपमेंट है, ठीक है. तो ब्रीदर का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, वो भी आप जरूर पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर. नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर हैज ए स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर. डी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसर आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल. दो एडजेसेंट कॉइल के बीच में हम स्पेसर प्रोवाइड करते हैं, क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम एक पैसेज बनाते हैं कूलिंग ऑयल के लिए. ए इसका करेक्ट आंसर है, टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल. तो यहाँ पे मेन फंक्शन स्पेसर का दिया है, ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग के लिए पैसेज बनाने के लिए हम स्पेसर का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स. अगर हमारा सेकेंडरी फ्लक्स ज्यादा लीक हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ. ए इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने का क्या फंक्शन है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने से हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटाइजिंग करेंट का, वो डिक्रीज हो जाता है. सी इसका करेक्ट आंसर है. पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट, द पावर ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट. पावर ट्रांसफॉर्मर का क्या कॉन्स्टेंट होता है? मेन फ्लक्स डिवाइस. पावर ट्रांसफॉर्मर का जो फ्लक्स डिवाइस होता है वो कॉन्स्टेंट होता है. द पावर ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस बिकॉज इट फॉलो लेन्स लॉ फॉर एनर्जी चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी कॉज बाय लोडिंग ऑन सेकेंडरी. इट विल ड्रॉ द मैग्नेटाइजिंग करेंट प्रोपोर्शनली फ्रॉम प्राइमरी. ठीक है, तो जो मेन फ्लक्स डिवाइस होता है वो कॉन्स्टेंट होता है. नेक्स्ट, टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड अपॉन देयर. दो ट्रांसफॉर्मर अगर पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं तो वो लोड को शेयर करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उनकी पर यूनिट इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगा. बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, इफ आर टू इज द रजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, के इज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, देन द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रजिस्टेंस रिफर टू द प्राइमरी विल बी. तो वो होता है आर टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर. ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है. ट्रांसफॉर्मर रेशियो कैसे हम देते हैं, नंबर ऑफ टर्न, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना. नेक्स्ट, वॉट विल हैपन इफ द ट्रांसफॉर्मर वर्किंग इन पैरलर आर नॉट कनेक्टेड विथ रिगार्ड टू पोलरिटी. इनकरेक्ट पोलरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट. बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, इफ द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट, देन पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ कॉमन. तब भी दोनों ट्रांसफॉर्मर हमारे वैसे ही वर्क करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन पावर फैक्टर में चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफॉर्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन. टेपिंग हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो टेपिंग हम हाई वोल्टेज साइड में प्रोवाइड करते हैं. डी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन. हायर फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में कहाँ यूज की जाती है? रिड्यूस वेट पर किलो वोल्ट एम्पियर. नेक्स्ट, द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ. जो ब्रीदर के लिए हम जेल यूज करते हैं या केमिकल यूज करते हैं, वो हमारी सिलिका जेल होती है, और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एब्जॉर्बेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत होती है. तो बी करेक्ट आंसर है. मैंने अभी आपको एक जगह बताया था कि ब्रीदर का पूरा फंक्शन दिया है, वो जरूर पढ़ना. तो वो आप जरूर पढ़ोगे, जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ोगे, तो आपके बहुत सारे अदर कंसेप्ट अदर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट, द केमिकल यूज इन अ ब्रीदर इज सिलिका जेल. ये देखिए, सिलिका जेल की मॉइस्चर को सोखने की पावर बहुत होती है, मॉइस्चर ऑब्जर्वेंट पावर बहुत होती है. नेक्स्ट, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस.
जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टेंस की। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैज जीरो रेजिस्टेंस, उनका जीरो रेजिस्टेंस होता है। इट मीन देयर इज नो ओमिक पावर लॉसेज एंड नो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। एन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर हैज फाइनाइट बट स्मॉल वाइंडिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट, मटेरियल आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर्स इज यूजली। ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? तो हम बेसिकली सिलिकन स्टील का यूज करते हैं आयरन कोर बनाने के लिए। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये 50 क्वेश्चन है जो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यूपीपीसीएल और अदर जेई के एग्जाम्स में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाते, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हो। तो जितना डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है क्वेश्चंस में वो भी आप पढ़िएगा, अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो आपकी बहुत मदद करेगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग। और किस टॉपिक पे और MCQ आप देखना चाहते हो वो टॉपिक मुझे लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।